गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 9 पर सोमवार की शाम एक लावारिस काले रंग का बैग देखा गया, जिसकी सूचना एक व्यक्ति द्वारा जीआरपी और आरपीएफ को दी गई। सूचना के तत्काल बाद हरकत में आई जीआरपी और आरपीएफ फोर्स डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर वहां मौजूद यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर एकत्र किया और फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसके पश्चात बैग की चेकिंग की गई। इस दौरान बैग में सिर्फ पुराने कपड़े मिले, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इस दौरान जीआरपी इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर रणजीत और एसआई संतोष भारती, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, सीओ कैंट प्रभात राय, रेलवे स्टेशन चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार मिश्र सहित भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आरपीएफ के सीओ ने कहा, किसी ने सूचना दिया था कि ओवरब्रिज के नीचे एक लावारिस बैग रखा हुआ है। इस पर सक्रियता दिखाते हुए बीडी स्क्वाड और पुलिस प्रशासन इकट्ठा हुआ। जीआरपी ने कार्डन करके चारों तरफ से लोगों को हटाया और सुरक्षित रूप से वो जो झोला था उसका तहकीकात करके पाया गया कि उसमें कुछ भी खास नहीं है। बम डिस्पोजल यूनिट आई थी, जिले की फायर ब्रिगेड आई थी, जीआरपी अपनी पूरी ताकत से यहाँ उपस्थित थी, सारे अधिकारी उपस्थित थे। आई था
और उन्होंने उसको चेक करके बताया कि इसमें कुछ खास नहीं है।